एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत ने हर किसी को तगड़ा झटका दिया है। गुरुवार की सुबह सिद्धार्थ की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। किसी को भी यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। इनके यूं अचानक चले जाने से जहां इनके फैंस के बीच शॉक की लहर आ गई है, वहीं इनकी दो सबसे अजीज चाहने वाली इनकी माँ और शहनाज बुरी तरह से सदमे में हैं। भले ही सिद्धार्थ की माँ अभी कम ही नज़र आई है मीडिया में, पर राखी सावंत उनके घर उनको मिलने गई थी तो उन्होंने इनकी माँ के बारे में बताया कि वो गहरे सदमे में हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं हैं, वो सिर्फ एक ही बात कह रही है कि वो चला गया। जब राखी ने कहा कि आपका बेटा आपके पास ही है, वो कहीं नहीं गया है, तब सदमे में रहते हुए शुक्ला की माँ रीता शुक्ला ने कहा कि नहीं, वो चला गया। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने गहरे सदमे में हैं। जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के बहुत करीब थे। बहुत साल पहले पिता की मौत हो जाने के बाद माँ रीता शुक्ला ने अकेले ही पाला था, लेकिन माँ को क्या पता था कि जिस लाडले में वो अपने बुढ़ापे का सहारा देख रही थी, वो उन्हें यूँ अकेला छोड़ जाएगा। इस वजह से उन्हें एक गहरा सदमा लगा है। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ की तरह इनकी सबसे अच्छी दोस्त शहनाज गिल भी सदमे में हैं इनकी मौत से। शहनाज के पिता संतोख सिंह ने हाल ही में बताया था कि सिद्धार्थ की मौत के बाद से शहनाज बात करने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बोल नहीं रही है। वही जब शहनाज अंतिम विदाई देने पहुंची तो वहां पता चल रहा था कि वो कितने गहरे सदमे में हैं। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, उन्हें उनके भाई पकड़कर लेकर जा रहे। दर्द टूट चुकी हैं वो इनकी मौत से, ना कुछ खा रही हैं ना कुछ पी रही हैं। इस कदर सदमा है उन्हें इनकी मौत का, वो बस याद कर इन्हें रोए जा रही हैं।